गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल पावर वन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी पावर सिस्टम यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैक्सिमम डिमांड है। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिमांड और मैक्सिमम ऑन ऑल द टाइम ऑन ए पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मैक्सिमम ऑफ ऑल दी डिमांड दैट अकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड। जो मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड बिकॉज द कंज्यूमर डू नॉट स्विच ऑन मैक्सिमम डिमांड एट ए सिस्टम एट ए टाइम। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड होती है आपकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, पावर स्टेशन में डिमांड ऑफ लोड, जो लोड की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जो कई कंज्यूमर का डिफरेंट टाइप का लोड होता है, किसी का मिनिमम होता है, किसी का मैक्सिमम होता है, किसी का मीडियम होता है। तो मैक्सिमम डिमांड उसी को बोलते हैं जिसको मैक्सिमम लोड चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा लोड होता है पावर स्टेशन पर। ठीक है, लेकिन जो कनेक्टेड लोड होता है वो अलग चीज़ है। कनेक्टेड यानी कि जो सारी चीज़ें कनेक्ट हैं पावर सिस्टम के साथ, तो उतनी डिमांड नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लोड से जो कनेक्टेड लोड है उससे लेस देन आपकी मैक्सिमम डिमांड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सेकंड जो टर्म्स है वो है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू द कनेक्टेड लोड इस कार्ड डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो लेस देन यूनिटी होती है, यानी कि ये रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड्स ऑन पावर स्टेशन एंड कनेक्टेड लोड ऑन दी पावर स्टेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपका, नेक्स्ट टर्म वो है एवरेज लोड। अगर आपने एवरेज लोड निकालना है तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डेली एवरेज लोड, मंथली एवरेज लोड, फिर आपका एनुअली। यानी कि सबसे पहले आपको एवरेज लोड निकालना होगा, एवरेज लोड डेली का एवरेज लोड निकालना होगा। ठीक है, तो डेली का एवरेज लोड कैसे आएगा? नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन KWH अपॉन टाइम 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी, उनका रेशो, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए डे अपॉन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये डेली में आएगा और मंथली में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन ए मंथ एंड नंबर ऑफ आवर्स इन ए मंथ, एक महीने में कितने आवर्स होते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ KWH जनरेटेड इन ए मंथ अपॉन नंबर ऑफ आवर्स इन ए मंथ। ये मंथली एवरेज लोड आ जाएगा अगर आपने मंथली निकालना है। सिमिलरली अगर आपने ईयरली निकालना है तो ईयरली के भी एक फॉर्मूला है। तो ईयरली लोड निकालना है अगर आपने, तो उसमें देखो ईयरली एवरेज लोड नंबर ऑफ यूनिट KWH जनरेटेड इन ए ईयर अपॉन मैक्सिमम होर इन ए ईयर, यानी 8760 होर होते हैं एक साल में। ठीक है, तो ये रेशियो होगा नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन KWH इन ए ईयर अपॉन इन ए टाइम कितना लगा एक साल में। ठीक है, 8760, तो ये आपका एवरेज लोड आ जाएगा, एवरेज मंथली और डेली और ईयरली। अब लोड फैक्टर क्या होता है? ये डिपेंड करता है एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड में। ठीक है, लोड फैक्टर होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड हमारा होर में आएगा, ठीक है, तो एवरेज मैक्सिमम डिमांड भी इन होर में आएगी। ठीक है, तो एवरेज लोड इन टी हॉर्स, एवरेज मैक्सिमम डिमांड अपॉन टी हॉर्स, ये रेशो होगा। या फिर अगर यूनिट दे रखी है आपको तो एवरेज लोड निकालना है, तो उस केस में ये फॉर्मूला, यूनिट जनरेटेड इन
टी हॉर्स एंड मैक्सिमम डिमांड इन टी हॉर्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लोड फैक्टर। अब नेक्स्ट है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड अपॉन, इट इज़ अ रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन दी पावर स्टेशन। सम ऑफ इंडिविजुअल यानी कि जो इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं उनकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं, तो उनका सम अपॉन जिस कस्टमर की मैक्सिमम डिमांड है उसका रेशो, वो आपका होगा डाइवर्सिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एक्चुअल एनर्जी। अब प्लांट, एक और टर्म्स है आपकी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये पेपरों में पूछ लेते हैं टर्म्स। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में क्या आएगा? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में देखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक्चुअल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है अपनी और अब मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी आप कितनी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसका रेशियो होता है आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, एक्चुअल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और मैक्सिमम पॉसिबल कितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उसका रेशियो है आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक और टर्म्स है जी स्टूडेंट्स, प्रीवियसली कुछ मिस्टेक आ गई थी इसलिए थोड़ा मैं आपको लेक्चर, ये जो बचा हुआ लेक्चर है वो दोबारा बता रहा हूँ। नेक्स्ट है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर था हमारा। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमारा होता है एवरेज डिमांड अपॉन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। अब एनुअल प्लांट कैपेसिटी कैसे निकलती है आपकी? एनुअल KWH आउटपुट, ठीक है, अपॉन प्लांट कैपेसिटी इंटू होर इन ए ईयर, ठीक है। तो ये 8760 आपके होर इन ईयर होते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड अपॉन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। और जो एनुअल प्लांट कैपेसिटी होती है वो होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एनुअल KWH आउटपुट अपॉन प्लांट कैपेसिटी इंटू होर इन ए ईयर, ठीक है। तो रिजर्व कैपेसिटी होती है आपकी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, इतनी आपकी प्लांट की कैपेसिटी होगी माइनस मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी, ठीक है। तो वो आपकी रिजर्व कैपेसिटी होगी प्लांट। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स है प्लांट यूज फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्टेशन आउटपुट इन KWH अपॉन प्लांट कैपेसिटी एंड होर ऑफ यूज, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्टेशन आउटपुट इन KWH अपॉन प्लांट कैपेसिटी इंटू होर इन होर ऑफ यूज। तो ये आपका प्लांट यूज फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन अपॉन रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन, यानी कि पावर स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो और रेटेड कैपेसिटी कितनी है पावर स्टेशन की, उसका रेशियो होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर, इट इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपका होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो इन दिस केस KW इज़ ट्रू पावर एंड KVA इज़ अपेरेंट पावर। तो KVA इसमें यू कैन फाइंड ऑल दिस थ्री टर्म्स KW, KVA एंड पावर फैक्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक पावर 1 बेस लोड एंड पीक लोड पावर स्टेशंस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक पावर 1 फॉर EE 5th स्टूडेंट्स।
बेस लोड एंड पीक लोड पावर स्टेशन, बेस लोड एंड पीक लोड पावर स्टेशंस। तो सबसे पहले हम पावर स्टेशन में जो लोड है उसको डिस्कस करेंगे। दी लोड ऑन दी पावर स्टेशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस वेरिंग लोड ऑन दी पावर स्टेशन मेक्स दी लोड कर्व वेरिएबल ऑल द टाइम। दी लोड ऑन दी पावर स्टेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, बेस लोड एंड पीक लोड। दिस मीन्स दी पावर स्टेशन जो होता है उसमें जो आप लोड आपका लोड है वो वेरिएबल करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिससे क्या उसकी जो लोड कर्व बनती है मंथली डेली या फिर ईयरली वो भी आपकी वेरिएबल बनेगी, ठीक है। तो इससे कहने का ये मतलब पावर स्टेशन में, तो पावर स्टेशन में आपका दो तरह का लोड होता है, एक तो बेस लोड होता है। अब बेस लोड क्या होता है, बेस लोड दी अनवेरिंग लोड अनवेरिंग लोड विच अकर ऑलमोस्ट दी होल डे विच अकर ऑलमोस्ट दी होल डे ऑन दी पावर स्टेशन इज नोन एज बेस लोड। दी अनवेरिंग लोड विच अकर ऑलमोस्ट दी होल डे ऑन दी स्टेशन इज नोन एज अन बेस लोड। मीन्स जो आपका अनवेरिएबल लोड होता है पावर स्टेशन पे, जिसको आप पूरा दिन के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो पूरा दिन एक ही लोड रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस लोड, ठीक है। और बेस लोड पावर स्टेशन आपका होता है स्टेशन द पावर स्टेशन विच मेकअप दी अनवेरिंग लोड ऑफ द सिस्टम एंड वर्क फॉर द होल डे नोन एज बेस लोड। मीन्स जो पावर स्टेशन जो पावर स्टेशन है आपका मेकअप करता है अनवेरिंग लोड ऑफ द सिस्टम एंड वर्क ऑलमोस्ट द होल डे इज नोन एज बेस लोड पावर स्टेशन। यानी पूरा दिन वो उसी पे काम करता है, उसको बोलते हैं बेस लोड पावर स्टेशन। तो अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूंगा, जो लोड कर्व ये शो कर देगा आपको बेस लोड और पीक लोड कैसे आपका होता है पावर स्टेशन में। द ग्राफ बिटवीन लोड इन मेगावाट एंड टाइम इज शोन इन फिगर। तो ये फिगर आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो इस फिगर में देखो आप लोड दे रखा है मेगावाट में 50 मेगावाट तक, फिर आपका टाइम दे रखा है 24 आवर्स यानी एक दिन के लिए, ठीक है। तो ये एक दिन में देखो, एक दिन में जो 20 मेगावाट है 20 मेगावाट तक आप 20 मेगावाट आपका 24 घंटे 20 मेगावाट रहेगा, तो 20 मेगावाट तक तो आपका बेस लोड है होल डे, यानी एक दिन में पूरा 24 घंटे 20 मेगावाट तक रहेगा। उसके बाद 20 मेगावाट के ओवर हो गया अगर लोड, तो वो वेरिएबल लोड हो जाएगा। जैसे 20 से लेकर 50 तक आपका लोड क्या होगा, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो और के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा लोड, उसको बोलेंगे हम पीक लोड। और ये जो आपका 20 मेगावाट तक है वो चेंज नहीं हो रहा पूरा दिन, तो वो आपका क्या आएगा, बेस लोड, ठीक है। तो इसमें लिखा है बेस लोड एंड पीक लोड कर्व भी है, ये आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा बेस लोड क्या होता है और पीक लोड क्या होता है। नेक्स्ट है आपका पीक लोड। पीक लोड क्या होता है, अब देखो पीक लोड होता है द वेरिएबल लोड विच अकर ओवर एंड अबव द बेस लोड इज नोन एज पीक लोड। मीन्स जो लोड आपका ऑलमोस्ट होल डे बेस पे लेता है वो तो आपका बेस अनवेरिएबल लोड है। उसके बाद अगर मान लो आपका बेस लोड आपका 30 मेगावाट है, अगर उसके बाद उससे ज़्यादा लोड होगा तो वो वेरिएबल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे पीक लोड, ठीक है। तो पीक लोड पावर स्टेशन द पावर स्टेशन विच टेक अप द वेरिएबल लोड ऑफ द सिस्टम एंड वर्क फ्रॉम ड्यूरेशन इन विच द पीक लोड अकर।
यानी कि इसमें ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, ये पावर स्टेशन जो वेरिएबल लोड लगाता है ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, कितने घंटे में कितना लोड लगेगा, ठीक है। तो वो आपका होगा पीक लोड पावर स्टेशन। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेस लोड पावर प्लांट की। प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेस लोड पावर प्लांट की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस लोड पावर प्लांट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेस लोड पावर प्लांट की, बेस लोड पावर प्लांट हैव लो रनिंग चार्जेस। जो रनिंग चार्जेस होते हैं बेस लोड पावर प्लांट के वो बहुत कम है, क्योंकि ये होल डे में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है लोड, ठीक है, 24 घंटे में। तो इसमें रनिंग चार्जेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ फ्यू ऑपरेटिंग पर्सनल। तो इसमें दोबारा दोबारा लोड को चेंज नहीं करना पड़ता, तो इसमें हमें जो ऑपरेटिंग स्टाफ है उसकी भी बहुत कम ज़रूरत होती है, ठीक है। थर्ड है कैपेसिटी ऑफ वर्किंग इन लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि इसमें जो ये जो आपका बेस लोड पावर स्टेशन होते हैं इसमें आपको वर्किंग यानी काफ़ी लंबे समय तक वर्किंग करना पड़ता है, लॉन्ग पीरियड होता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोर्थ रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन मेंटेनेंस इज इकोनॉमिकल एंड स्पीडी। इसकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो इकोनॉमिकल है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ईजीली हो जाती है और आराम से हो जाती है, ठीक है। और ये स्पीडी भी है और तेज़ से जल्दी से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीक लोड पावर प्लांट। पावर प्लांट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीक लोड की वो क्या हैं, कैपेबिलिटी ऑफ क्विक स्टार्ट। इसमें कैपेबिलिटी होती है ऑपरेशन को क्विक स्टार्ट करने की, ठीक है। दूसरा सिंक्रोनाइजिंग एंड टेकिंग अप द सिस्टम लोड, इसमें सिंक्रोनाइजिंग भी पॉसिबल है और सिस्टम लोड लेने में भी ये पॉसिबल है, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग में पैरेलल ऑपरेशन भी पॉसिबल है। क्विक रिस्पॉन्स टू लोड वेरिएशन, यानी कि लोड जब आप लोड का वेरिएशन होता है, कम ज़्यादा लोड होता है, जहाँ पे वेरिएशन लोड का चाहिए वहाँ पे इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है, वहाँ पे हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। गैस पावर प्लांट आर स्टेबल फॉर पीक लोड पावर प्लांट सप्लाइंग पीक लोड, ठीक है। जो गैस पावर प्लांट होता है वो आपका उसके लिए स्टेबल होता है पीक लोड पावर स्टेशन, ठीक है, तो सप्लाइंग पीक लोड। तो ये आज का आपका टॉपिक था, ठीक है। तो याद रखना है आपने बेस लोड एंड पीक लोड। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल पावर वन फॉर W50 स्टूडेंट्स, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस। पावर स्टेशन के इंटरकनेक्शन कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, ठीक है। तो ये दिस इज़ द लाइन डाइग्राम ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम्स, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस लाइन डाइग्राम ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम्स। तो लेट्स फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन G1, G2, G3। दिस आर थ्री जनरेटिंग स्टेशन G1, जनरेटिंग स्टेशन G2 एंड जनरेटिंग स्टेशन G3। दिस थ्री जनरेटिंग स्टेशंस, G1 इज थर्मल पावर प्लांट एंड G2 इज हाइड्रो पावर प्लांट एंड G3 इज गैस टर्बाइन पावर प्लांट, ठीक है। तो G1 जो है आपका थर्मल पावर प्लांट है और G2 आपका हाइड्रो पावर प्लांट है और G3 आपका क्या है, गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो ये आपके तीन जनरेटिंग स्टेशंस हैं, ठीक है, तो इसमें शो कर रखे हैं जो आपकी जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो उसको जनरेट कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल पे, जो आपकी जनरेटिंग प्लांट है उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सोर्स होती है अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट्स, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं पावर प्लांट में। सिमिलरली थ्री पावर प्लांट में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 11 kV जो है जनरेटिंग वोल्टेज होती है, 11 kV और 33 kV,
तो इसमें जो जनरेटिंग वोल्टेज होगी वो 11 केवी होगी या फिर 33 होगी। तो उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, वोल्टेज यानी कि एक पावर स्टेशन लगाएंगे, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन पावर स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जनरेटिंग वोल्टेज वो सबसे पहले कंट्रोल होगी, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले होगी और मीटरिंग इक्विपमेंट वो लगेंगे, ठीक है, रीडिंग्स के लिए मीटरिंग इक्विपमेंट लगेंगे और कंट्रोलिंग के लिए रिलेज और सर्किट ब्रेकर लगेंगे। उसके बाद आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आएगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो 11 केवी को 132 केवी में कर देगा, और ऐसे सिमिलरली जो सेकंड जनरेटर है आपका वो 220 केवी में स्टेप अप करेगा, और थर्ड जनरेटिंग स्टेशन है वो आपका 400 केवी में कन्वर्ट करेगा। फिर आगे देखो तो ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होगी जिसका आपने प्राइमरी ट्रांसमिशन करना है। पहले आपने स्टेप अप किया प्राइमरी ट्रांसमिशन पावर स्टेशन में, ठीक है, अब इसका आपने प्राइमरी ट्रांसमिशन करना है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन की आपके पास 3 लाइन है, 132 केवी लाइन है, 220 केवी लाइन है और 400 केवी लाइन है। 132 केवी लाइन तो आपने यहाँ से लार्ज कंज्यूमर की डिमांड है कि मुझे 132 केवी लाइन चाहिए, तो 132 केवी यहाँ से डायरेक्टली आपकी वेरी लार्ज कंज्यूमर के पास चली जाएगी, ठीक है। फिर जो सेकंड लाइन है 220 केवी की, ठीक है, वो आपकी जाएगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर है। क्या है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन यानी पावर स्टेशन, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन पावर स्टेशन। तो पहले उसकी कंट्रोलिंग और मीटरिंग होगी, फिर आपकी वोल्टेज आएगी ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करेगा, तो 220 से 220 केवी की लाइन को वो स्टेप डाउन कर देगा 66 केवी लाइन में। तो ये जो 66 केवी लाइन है इसका आपने आगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन करना है, ठीक है। फिर जो आप इसकी जो प्राइमरी ट्रांसमिशन की जो थर्ड लाइन होगी वो आपकी दिस लाइन्स आर गोज टू अदर ग्रिड, तो अदर इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में जाएगी अदर ग्रिड में, ठीक है, तो वो अलग लाइन है। अब नेक्स्ट देखो जो मिडल लाइन है ये आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन की आपकी 66 केवी लाइन है, उसमें से 3 लाइनें निकलेंगी 66 केवी की, ठीक है। आपने ये 220 से 66 में कन्वर्ट की, तो 66 केवी एक तो आपकी जाएगी लार्ज कंज्यूमर में और एक जाएगी लार्ज कंज्यूमर में, ठीक है, और बीच वाली जो 66 केवी लाइन है उसको आपने क्या करना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वो आप 66 केवी को आप इसमें कन्वर्ट करोगे 33 केवी या 11 केवी में, वहाँ स्टेप डाउन पहले कंट्रोल करोगे 66 केवी को, ठीक है, मीटरिंग और कंट्रोलिंग इक्विपमेंट से, ठीक है। फिर कंट्रोल करने के बाद उसे ट्रांसफार्मर में भेजोगे, ट्रांसफार्मर उसको क्या करेगा 66 केवी को 33 केवी या 11 केवी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन लगेगा, क्या लगेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन में आपकी दो लाइनें होंगी 33 केवी या 11 केवी, जिसमें से जो 33 केवी लाइन है वो आपकी मीडियम कंज्यूमर को जाएगी और जो 11 केवी लाइन है वो भी आपकी मीडियम कंज्यूमर को जाएगी। नेक्स्ट फिर आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 11 केवी का, तो 11 केवी टू 440 में आप उसको कन्वर्ट करोगे स्टेप डाउन बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप 440 की आपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की चार लाइनें होंगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तो आपकी स्मॉल कंज्यूमर को जाएंगी और कुछ आपकी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जाएंगी और कुछ आपकी जाएंगी डोमेस्टिक पर्पस के लिए जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे हम जो पावर सिस्टम हैं हमारे जो पावर प्लांट हैं उनका हम इंटरकनेक्शन करते हैं, ये उसका लाइन डायग्राम है। तो इंटरकनेक्शन में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इंटरकनेक्शन सिस्टम में हम कई भी 3-4 प्लांट हैं जो उनको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, उनका लोड शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन कर सकते हैं,
समझ में आ गया, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर कैपेसिटी ऑफ दी प्लांट हम ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल पावर वन फॉर डब्ली फिफ्थ स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव आई हैव एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, द फर्स्ट वन इज रिड्यूस्ड प्लांट रिवर्स रिजर्व कैपेसिटी। प्लांट रिजर्व कैपेसिटी मीन्स प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, लेसर ओवरऑल इंस्टॉल्ड कॉस्ट कैपेसिटी टू मीट द पीक लोड डिमांड। मीन्स इसमें जो है रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी होती है, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी आपकी जो होती है वो होती है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, और इसमें लेसर ओवरऑल जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है प्लांट की वो इसमें लेस होती है इंटरकनेक्शन सिस्टम में, ठीक है। और इसमें हम इजीली जो है पीक लोड एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पीक लोड भी हम इजीली एक या दूसरे पावर प्लांट का लोड हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। इंक्रीज द डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड अपॉन कैपेसिटी टोटल रेटेड कैपेसिटी, ठीक है, रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट, रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी फैक्टर। अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज का वो है इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो सर सप्लाई वोल्टेज है वो काफ़ी रिलायबल होती है इसमें, ठीक है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, तो रिलायबल होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इंश्योर इकोनॉमिकल ऑपरेशन, क्या है, इंश्योर इकोनॉमिकल ऑपरेशन, इंश्योर जो फिफ्थ पॉइंट है आपका इंश्योर इकोनॉमिकल ऑपरेशन, ठीक है। और इसमें हम यूज़ ऑफ ओल्डर प्लांट, इस इंटरकनेक्टेड सिस्टम में हम ओल्डर प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द कैपिटल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, तो ये रिड्यूस करता है कि हमारी कैपिटल कॉस्ट कम लगेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम लगेगी और लॉस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेटिव वो भी कम लगेगी अगर हम इंटरकनेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अगर किसी पावर स्टेशन की लाइन में कहीं फॉल्ट आ जाता है तो वो सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन जो अनदर पावर सप्लाई है वो उसका लोड शेयर कर लेती है, जिसके कारण पावर सप्लाई में इंटरप्शन नहीं आता, ठीक है, तो ये एडवांटेज है इसकी। अब नेक्स्ट है आपका नेशनल ग्रिड क्या होता है, नेशनल ग्रिड जो होता है जब हम लार्ज पावर स्टेशन को हम सेवरल यानी कि नॉर्मल पावर स्टेशन से इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो इंटरकनेक्टेड एसी नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं हम नेशनल ग्रिड। जो नेशनल ग्रिड है आपकी उसको हम कंट्रोल करते हैं उसमें नेशनल लोड सेंटर से, ठीक है, नेशनल लोड सेंटर से और डिस्पाच सेंटर से, द नेशनल कंट्रोल नेशनल लोड सेंटर लिंक्ड विद वायरस रीजनल यानी कि वेरियस रीजनल डिस्पैचिंग स्टेशन, यानी कि जो आपका नेशनल लोड सेंटर होते हैं उनका लिंक होता है कई डिस्पैच सेंटर से, जो डिस्पैच स्टेशंस होते हैं रीजनल डिस्पैच स्टेशंस, ठीक है,
उनके साथ उनका लीक होता है। तो नेशनल ग्रिड जो होता है आपका इंटरनेट सिस्टम होता है, लार्ज पावर स्टेशन को हम इंटरनेट कर सकते हैं सेवरल पावर स्टेशन के साथ, ठीक है। तो जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एसी नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड, उसको बोलते हैं नेशनल ग्रिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनल ग्रिड, ठीक है। अब रीजनल ग्रिड देखो हम किसे बोलते हैं, रीजनल ग्रिड जो होती है आपकी, वो एक तरह से जो आपके रीजनल डिस्पैच सेंटर होते हैं, ठीक है, उनको हम जिनका लिंक आपका नेशनल ग्रिड के साथ होता है उनको बोलते हैं रीजनल ग्रिड, ठीक है। तो रीजनल डिस्पैच सेंटर को अगर हम इंटरकनेक्टिंग कर देते हैं तो वो रीजनल ग्रिड बन जाती है, ठीक है। तो रीजनल डिस्पैच पावर स्टेशन को हम इंटरकनेक्टिंग कर देंगे तो वो रीजनल ग्रिड बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, रीजनल ग्रिड इज़ कंट्रोल्ड बाय द रीजनल लोड सेंटर, रीजनल लोड कंट्रोल सेंटर, लोड सेंटर कंट्रोल द लोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ओवन। जो लोड सेंटर होते हैं आपके, वो एक तो आपका लोड कंट्रोल करते हैं, दूसरी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अपनी, वो फ्रीक्वेंसी भी यूज़ करते हैं। बाय कैसे करते हैं ये, बाय मैचिंग जनरेशन इन वायरलेस जनरेटिंग स्टेशन, यानी वायरलेस जनरेटिंग स्टेशन की आप जो जनरेशन है उसको मैच करते हैं विद टोटल मेगावाट डिमांड प्लस लॉसेस, मेगावाट लॉसेस माइनस अमाउंट ऑफ द लाइन पावर फ्लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रीजनल ग्रिड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन टास्क ऑफ दी लोड सेंटर कंट्रोल, लोड कंट्रोल सेंटर इज टू कीप द एक्सचेंज ऑफ पावर बिटवीन वेरियस जोन्स एंड सिस्टम फ्रीक्वेंसी। द फंक्शन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय नेटवर्क कंट्रोलर इंस्टॉल एट दी लोड सेंटर। इसका मीन्स है कि जो मेन टास्क होता है वो होता है लोड कंट्रोल सेंटर इज टू कीप दी यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ पावर, यानी एक्सचेंज ऑफ पावर इसमें करते रहते हैं बिटवीन वायरलेस जोन, ये इसका मेन टास्क होता है, एक्सचेंज ऑफ पावर बिटवीन वायरलेस जोन एंड सिस्टम फ्रीक्वेंसी को भी एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है नेटवर्क कंट्रोलर इंस्टॉल करने से, वो आपका लोड सेंटर में इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ये रीजनल ग्रिड है आपका, तो आपका सेकंड चैप्टर ये ख़त्म होता है, ठीक है। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक पावर 1 W5th स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबसे पहले जो कॉस्ट से रिलेटेड है जनरेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट है टर्म्स। अब इसमें देखो क्या लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट में, इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड द एनर्जी जनरेटेड। दिस कॉस्ट इज ड्यू टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेप्रेशिएशन कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड अदर टैक्सेस, ठीक है। इट इज़ आल्सो इंक्लूड द सैलरी ऑफ हायर ऑफिशल्स, ठीक है। मीन्स ये फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, ये आपकी एक तो मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, जो आपकी प्लांट की मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, और दूसरा एनर्जी जनरेटेड, यानी कि वो कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है, उस पर डिपेंड करती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो एनुअली होती है, इसमें आपकी एक तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, दूसरा
इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाती है, ठीक है, दूसरा डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो जाती है, तीसरा इंश्योरेंस और टैक्सेस की कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें सैलरी यानी जो हाईएस्ट ऑफिशियल स्टाफ होता है उसकी सैलरी भी इंक्लूड होती है फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी अगर आप एक जनरेटिंग पावर प्लांट लगाते हो, ठीक है, तो उसमें आप कितनी तरह की कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, तो इसमें दे रखा है। नेक्स्ट टर्म है आपकी रनिंग कॉस्ट। अब इसकी डेफिनेशन देखो रनिंग कॉस्ट की, इट इज़ द कॉस्ट विच इंटायरली डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। दिस कॉस्ट इंक्लूड दी एनुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ऑफ दी प्लांट, सैलरी ऑफ दी ऑपरेटिंग स्टाफ, ठीक है, सैलरी ऑफ दी ऑपरेटिंग स्टाफ एक्सेट्रा, ठीक है। रनिंग कॉस्ट ऑफ दी प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मीन्स इसका मतलब यह है कि रनिंग कॉस्ट जो मेन इम्पोर्टेंट ही वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, यानी कि आपने प्लांट में कितनी ज़्यादा यूनिट जनरेट हो रही है, जो आप जनरेट कर रहे हो उसकी कितनी यूनिट आपकी जनरेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सपोज करो आप वोल्टेज जनरेट कर रहे हो, कितनी वोल्टेज 11 kV कर रहे हो या 33 kV कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट, और उसमें जनरेट करने में कितना फ्यूल लगा, लुब्रिकेशन लगा, मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दी प्लांट कितनी आई, और सैलरी जिसमें ऑपरेशन में जो स्टाफ ऑपरेशन के लिए लगा था उसकी सैलरी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी रनिंग कॉस्ट में। रनिंग कॉस्ट में जब आपका प्लांट ऑपरेशन में होता है, ठीक है, यानी वर्किंग में होता है, तो उस समय आपकी क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो आपकी रनिंग कॉस्ट में आएगी, ठीक है। तो रनिंग कॉस्ट मेनली आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रनिंग कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब थर्ड जो इसमें टॉपिक है वो है लोड कर्व। अब जो लोड कर्व होती है वो देखो क्या होता है, द कर्व ग्रोइंग, द लोड कर्व ग्रोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड टाइम टू टाइम इन ए पावर स्टेशन इज कॉल्ड लोड कर्व, ठीक है, यानी कि वेरिएशन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पावर स्टेशन इज कॉल्ड लोड कर्व, यानी कि लोड और टाइम के बीच में कर्व होती है, ये डेली बेसिस पे होती है, मंथली बेसिस पे होती है और आपकी एनुअली बेसिस पे भी होती है, ठीक है। तो लोड कर्व हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले ये एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये ग्राफ जो है इन बिटवीन किस चीज़ के बीच में है, लोड इन मेगावाट, ठीक है, इसमें आपका लोड दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10 तक, ठीक है, और ये आपका जो टाइम है मिडनाइट से शुरू है, मिडनाइट से शुरू होके फिर नून आएगा आपका, नून से फिर आपका डे में आएगा, यानी कि डे में मिडनाइट से डे एक 24 घंटे का ग्राफ बना रखा है डेली कर्व का, यानी 24 घंटे में आपका लोड कितना होगा, किस टाइम मैक्सिमम होगा, किस टाइम मिनिमम होगा, इस सारा ग्राफ में दे रखा है। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है यानी कि 6 PM, जो 6 PM है वहाँ पे आपका लोड क्या है, मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा। इवनिंग में 6 PM आपका लोड क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं कर्व के। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी कर्व दैट फ्रॉम दी ग्राफ दैट दी लोड कर्व वेरी विद टाइम टू दी वारिश टू दी वारिश विद द टाइम इट इज़ मैक्सिमम एट 3 PM। इन दिस केस द कर्व इज ड्रा फॉर ऑल दी फॉर ए फुल डेली,
यानी एक डे, एक फुल डे के लिए ड्रा की गई है, ठीक है। फ्रॉम द डेली लोड कर्व्स ऑफ ए पर्टिकुलर मंथली लोड कर्व्स कैन बी प्लॉटेड, ठीक है। दी एवरेज वैल्यू ऑफ पावर मंथली लोड कर्व इज जनरली यूज टू फिक्स द रेट ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? इसका मीन्स ये है कि ये जो लोड कर्व है आपको, ये एक दिन की लोड कर्व दिखाई, इसमें मैक्सिमम जो लोड है वो आपका 3 PM यानी 6 PM शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम एवरेज लोड यानी मंथली जो एवरेज लोड है वो हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। तो ये एवरेज लोड निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है लोड कर्व। नेक्स्ट है जो कनेक्टेड लोड होता है आपका, नेक्स्ट टर्म है वो कनेक्टेड लोड है। कनेक्टेड लोड का सम ऑफ दी कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू दी सप्लाई इन ए इज नोन एज कनेक्टेड लोड। द सम ऑफ द कनेक्टेड लोड ऑफ ऑल दी कंज्यूमर विच आर सप्लाइड फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड जो आपका टोटल लोड ऑफ द इक्विपमेंट कनेक्टेड इन द पावर स्टेशन, जो भी आपके इक्विपमेंट पावर स्टेशन के साथ कनेक्टेड है वो आपका कनेक्टेड लोड होगा, वो चाहे आपके रनिंग कंडीशन में है या फिर स्टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। तो वो आपका टोटल कनेक्टेड लोड होगा, ठीक है। तो ये कनेक्टेड लोड है आपका, ये आपका टॉपिक आ जाएगा नेक्स्ट, आपका सेकंड चैप्टर आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।